नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से एक काइट शेप की इयररिंग्स बना सकते हैं। एक स्क्वायर शेप का इयररिंग्स आप बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। और इस ट्यूटोरियल में मैं जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो उस लिंक से जाके आप उसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है आई पिन, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, मेरे पास में ये जो है ग्रीन कलर की बीट्स हैं, ये प्लास्टिक की बीट्स हैं, और इसे मैं कुछ इस तरीके से डाल रही हूँ। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो, जो भी कलर के आपके पास में बीट्स हो, आप उससे ही ये इयररिंग्स बना सकते हैं। और इसे मैं आई पिन में पिरो लूँगी वन बाय वन, आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। तो चलिए हम इसे पिरो लेते हैं और देखते हैं कि हमें कितने यहाँ पर आई पिन्स की ज़रूरत होगी। जैसा आप देख रहे हैं, मुझे आपको इस तरीके से जो है चार आई पिन में इस तरीके की ग्रीन कलर की जो है बीट्स, आपके पास में आपको जो भी कलर यूज़ करना है आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं बीट्स में। और इस तरीके से पिरोने के बाद में मैं यहाँ पे प्लायर्स की हेल्प से यहाँ पे एक लूप बना दूँगी। जैसा आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे चेन नोज प्लायर से यहाँ पे एक छोटा सा एक टाइनी सा सर्कल बना दूँगी इसके साइड कॉर्नर पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसे करना बहुत ईजी है, जैसा कि ये दिख रहा है, ये जितना दिख रहा है उतना ही ये इजी है। आप इसे ज़रूर कर सकेंगे और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे कर सकेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और अगर आपको लगे कि ये जो है प्रॉपर शेप नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, तो आप इसे एक प्रॉपर शेप दे दीजिए। यहाँ पर मैं चेन नोज प्लायर की हेल्प से इसे एक प्रॉपर शेप दे रही हूँ कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से मैंने ये ग्रीन कलर के जो है यहाँ पर आई पिन में बीट्स डाल लिए हैं। और ऐसे में वाइट कलर की बीट्स भी डाल दूंगी आई पिन में, और उसकी प्रोसेस भी सेम इसी तरीके से है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस तरीके से ग्रीन बीट्स वाले मैं यहाँ पे, जैसा आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे चार सेट बना के रखे हैं। अब मैंने एक और आई पिन लिया है और मैं यहाँ पे वाइट कलर की जो यहाँ पर बीट्स हैं वो ले रही हूँ। और आपको जो है दो कलर के बीट्स तैयार करने होंगे, बीट्स जो हैं उसको जो है आई पिन पर पिरोने होंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और जो आई पिन है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा और वहाँ जाके आप परचेज़ भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए बहुत ईजली वे में, ईजी वे में ये जो है मैंने बीट्स जो है आई पिन में जो है डाल दिए हैं कुछ इस तरीके से। और मैंने कुछ यहाँ पर ऑलरेडी जो है बना के रखे थे आई पिन में, मोतियाँ पिरो के रखी थी और कुछ इस तरीके से ये दग रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे सेट कर लेते हैं और एक पतंग का शेप बना देते हैं, एक स्क्वायर शेप बना लेते हैं इयररिंग्स में। तो यहाँ पे मैंने एक और जो है दो आई पिन लिए हुए हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का जो मैंने आई पिन पे बीट्स डाले हुए थे उसको मैं कुछ इस तरीके से डाल रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन कलर की एक मोती डाल रही हूँ, जैसा आप देख रहे हैं। आप चाहें तो वाइट भी डाल सकते हैं। और जो है कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, डाल दीजिए। इसके बाद में मैं यहाँ पे जो है वाइट कलर के जो बीट्स, जो आई पिन पे मैंने बीट्स डाले हुए थे उसे मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। और ये जो मैं आई पिन यूज़ कर रही हूँ इसकी जो भी लेंथ है, मैंने कौन से आई पिन यूज़ किया है, कहाँ से ख़रीदा है, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। और आप चाहें तो वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से देखिएगा, मैं दोनों साइड पे दो बीट्स डाल दूँगी, और पहले मैंने एक डाली थी और अब मैं यहाँ पे दो डाल दूँगी कुछ इस तरीके से, जैसा आप देख रहे हैं। और ये बहुत ही इजी वे में हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद में अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का जो मैंने आई पिन पे मोतियाँ पिरोई थी उसको मैं कुछ इस तरीके से डाल दूँगी, और जैसा आप देख रहे हैं। और बस आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। अब इसके बाद में आपको ये यहाँ पे वाइट कलर का डाल दे, जो बीट आई पिन है उसको डाल देना है। अब मैं यहाँ पे फिर से जो है ग्रीन बीट्स डाल दूँगी दोनों आई पिन पे, और कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं। और सेम यही मैं दूसरे आई पिन पे भी करूँगी, यहाँ पे भी मैं जो है बीट्स डाल दूँगी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे।
और कुछ इस तरीके से अब मैं फिर से यही सेम प्रोसीजर रिपीट करूँगी। मैं यहाँ पे वाइट डाल दूँगी और ये बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से, आप चाहे तो इसे मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केवल दो ही कलर यूज़ किए हैं। आप चाहे तो जो, जैसे कि मैं यहाँ पे जो ये वाइट बीट्स वाला जो आई पिन है उसे यूज़ करिए, वहाँ पे आप जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो है बीट्स वाले आई पिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ कर लीजिएगा, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। और आप चाहें तो पूरा ही मल्टी कलर बीट्स डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। हर एक आई पिन पे आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर की मोतियाँ यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत सुंदर लगेंगी। बट मैंने यहाँ पे केवल दो ही कलर यूज़ किए हैं। और कुछ इस तरीके से जो है हमारा जो इयररिंग्स है वो बन के रेडी हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से हम फिर से यहाँ पर जो है यहाँ पे मोती डाल देंगे, जैसा आप देख रहे हैं। और आप जो है आप देख लीजिएगा कि आपके पास जो आई पिन है वो कितनी, आप कितना उसका लेंथ रखना चाहते हैं, लेंथ और विड्थ रखना चाहते हैं, और उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे आई पिन में मोती डाल के यहाँ पे पिरो दीजिएगा। और अगर आप सेम वही जो आई पिन है यूज़ करना चाहते हैं इसी लेंथ की, जो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चेक कर लीजिएगा लिंक पे कि मैंने कहाँ से इसे परचेज़ किया है। और बस इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे मोतियाँ जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फिर से प्लायर की हेल्प से यहाँ पे एक लूप बना दूँगी, और लूप बनाना भी बहुत इजी है। बस आपको यहाँ पे जो, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं चेनूस प्लायर से मैं यहाँ पे इसे एक सर्कल दे रही हूँ, सर्कल का शेप दे रही हूँ यहाँ पे, और ये ईजी वे में हो जाएगा। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसे बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में आपको करके बता रही हूँ। आप इसे कर लीजिएगा, ये बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से अब हम दूसरे साइड पे भी जो है लूप बना लेंगे। और लूप बनाने के बाद में कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे एक हेड पिन ले लिया है, और यहाँ पे मैं वाइट कलर की मोती ले रही हूँ कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक जो है लूप बना लूँगी, जैसा आप देखेंगे। और इसे मैं जो काइट शेप का जो मैं इयररिंग्स बना रही हूँ उसके मैं जो है बॉटम पर लगा दूँगी। मैं यहाँ पर तीन कॉर्नर पर लगाऊँगी इसे, और कुछ इस तरीके से। तो चलिए हम इसे जो है इयररिंग्स पे लगा लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से हमें जो है इसे इयररिंग्स पे अटैच कर लेना है, और इसकी प्रोसेस भी बहुत इजी है। और ये कुछ इस तरीके से आपको जो हमने यहाँ पे लूप बनाया हुआ था उस पर इसको कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है। वाइट मोतियाँ अटैच करने के बाद में हमारा इयररिंग्स जो है वो कुछ इस तरीके का शेप ले लेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक इयररिंग हुक, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और इसे मैं जो है इयररिंग्स के जो फोर्थ कॉर्नर है जो मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है वहाँ पे मैं इसे अटैच कर दूँगी कुछ इस तरीके से। और ये अटैच होने के बाद में कुछ इस तरीके से लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये इस तरीके का इयररिंग्स आप घर पर ही बना सकेंगे बहुत ही ईजी वे में, और ये बहुत सुंदर लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने ये किस तरीके का बनाया है, आपने कौन से कलर के बीड्स यूज़ किए हैं, मेरे साथ में ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कॉमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इयररिंग्स कैसा लगा। और चलिए अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, और आप सभी से मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। तब तक कि आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।